छुट्टी क्या कर रही हैं आप? मैं मटर निकाल रही हूँ। वेल डन, काम घर का करना चाहिए। अभी जो देखते हैं, अभी जुम्मे की नमाज पढ़ी और मटर निकाल रही हूँ। मैंने भी अभी परिवार सब के लिए दुआ की है। रंजीत भाई जितने भी है, रोशनी है, हमाद है, उन सब के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला जल्दी से उनको कामयाब करें। मेरी तो हमेशा यही दुआ है आप सब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अंबर शमा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको अपनी जो ईमान में रखे और लोगों की बुरी निगाह से बचाए। चलती हैं अपनी व्लॉग की तरफ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक भी करें। और जी देखते हैं अम्मी जान क्या कर रहे हैं। अम्मी जान जला रही हैं आग। वो देखें जी, उन्होंने आग जलाई हुई है। अम्मी जान इतना धुआं किया हुआ है आपने, जल गई है। मेरी तो आंखों में पड़ रहा है इतना धुआं। ये देखिए जी, ये जल गई है। चलिए जलाएं फिर आप आग। जी अभी हम बनाने लगे किचन में खाना और अम्मी जान भी आ गई है, सोई हुई थी, उठ गई। मैंने कहा अम्मी जान उठ जाएं, खाना बनाएं किचन में। और आज भी सर्दी बहुत ही ज़्यादा है और अम्मी जान ने ये अलसी लेके आए हैं हम। तो ये देखें अभी हम इसकी बनाएंगे पिनिया। अलसी की किन्हें खाना पसंद है और ये बताएं किनको बताएं अलसी की पिनिया किस तरीके से बनते। बहुत ही ईजी तरीका है और आपसे शेयर भी करेंगे। अभी अम्मी जान इसको ना भूनने लगे हैं तो फिर हम इसे वो चक्की से पिसवा लेंगे, फिर बाद में इसकी हम पिनी बनाएंगे। और अच्छा जुम्मा फारक आप सबको और जुम्मे का दिन कैसे गए मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और आज अम्मी जान बनाने लगे हैं मटरों का पुलाव और साथ ही आज अम्मी जान बनाने लगी हैं केक, क्योंकि छोटी की ना फ्रेंड्स आ रही हैं कंबाइन स्टडी करने के लिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं मामा जान केक बना के दें। तो फ्रूट केक हम घर ही बनाएंगे। वो तो आपको रेसिपी कितनी दफ़ा मैंने शेयर कर चुकी हुई हूँ ना। और साथ ही केक के ब्लॉग भी हमारा बन जाएगा क्योंकि हमने फ्रेंड्स के साथ अपनी रोज की एक्टिविटी शेयर करूँ जी। अम्मी जान अभी करती हूँ और मसाला वगैरह तैयार करूँ, प्याज काट लूँ। और जुम्मे के दिन तो सर्दी काम भी नहीं खत्म होते, जुम्मे के दिन सर्दी भी आज बहुत है। और तब तक हमारे ब्लॉग के साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अम्मी जान ये देखे केक बना रही है छोटी के लिए। मैं भी खा ही लूँगी बीच में से लेके, क्योंकि मैंने कहा सर्दी कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो कोई पीता नहीं है, तो मामा केक ही सही आप वो बनाए। सर केक बनने के लिए अम्मी जान ने तैयारी की है, जाग में मामा जान ने शुगर ऐड की है। जी छोटी मटर निकल गए हैं, जल्दी करें ना अम्मी जान को देने क्योंकि उन्होंने चावल बनाने हैं। बाकी तो मसाला तैयार हो चुका है हमारा। अम्मी जान कनक उधर ही पड़ी हुई है, देख लें आप। जी शुगर तो अम्मी जान ने ग्राइंड कर लिया केक में ऐड करने के लिए। बहुत इजी तरीका है केक बनाने का, मुझे खुद भी आता है। वैसे मैंने कभी ये चीज़ ट्राई तो नहीं की, अम्मी जान ही करती हैं ये काम। और इधर ये देखें, और भाई जान तो गए हुए हैं जुम्मा पढ़ने, दोनों मेरे भाई जी हैं छोटे। और ये देखिए जी हमारी आग जल गई है, ये देखिए ज़रा। सुबह भी हमने जलाई थी और अभी भी जलाई क्योंकि कपड़ा हमारा ठंडा ही बहुत है। ये देखिए अभी सही जल गई। अभी जल्दी जल्दी आग जो है ना वो हम अंदर लेके जाएंगे, फिर अंदर ही भी हमारा गर्म रहेगा। जी आग तो हमारी जल चुकी है, ये देखिए जी अब सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही। अगर हम अंदर जाइमे रहेंगे ना तो हमें ज़्यादा सर्दी जो है ना फील होगी। अगर हम बाहर काम वगैरह करेंगे ना फिर हमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं फील होगी। अभी मेरा दिल कर रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी और लकड़ियाँ जो है ना मैं रखती हूँ इसके ऊपर, फिर हमारी आग शाम तक जो है ना ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। और इंडिया में भाई रंजीत कैसा मौसम है ये बताएं, काफ़ी पड़ रही है सर्दी। छोटी आलू काटे हैं कौन? ये देखो ये तुम्हारा गंद निकाल, उठा के ले जाए इतना कमरे में डाल के जी तुम उल्टे खा कर। मैंने कहा डाला हुए है, आप उल्टे खा के आई थी तो इतना ज्यादा गंद डाल के आई हो। और किस किस ने आग सेकनी आज?
छोटी मामा के साथ कर रही है हेल्प जो उन्हें काम जी कर रही हूँ, तुमने मेरा सूट कल के दिन कर दिया। मैंने कैसे तुम्हारा सूट खराब किया ये मुझे जरा आप बताए ना। सारा नया सूट खराब कर दिया मेरा जी। नहीं आपकी खुद गलती थी, जब ये पेंट कर रही थी अंदर तो मैंने इसे कहा था सोनम ये चेंज करो छोटी ड्रेस, लेकिन इसने कहा आप ही कुछ नहीं होता हो जाएगा साफ, लेकिन मैंने इसे धोया दो दफ़ा वॉश किया लेकिन ये कलर नहीं उतरा पेंट का, क्योंकि फिर ये आस्ते आस्ते ये ना पेंट का कलर उतरेगा। चले आप छोटी आपके पास बैठे, मैं अम्मी जान के पास चलती हूँ। अम्मी जान बता रही है मैं जा रही हूँ अंदर जी। अम्मी जान ने तो केक इधर तैयार कर लिया हुआ है। छोटी देख रहे आपने तो कहा था कि आप ही काम खत्म हो गया है, तो अम्मी जान फिर बुला रही है आपको, क्योंकि मैं तो कर रही थी बाहर काम इस वजह से। आज तो हमारा पानी भी नहीं आया सारा दिन, ये मसला है, वरना आज तो मैंने कब से काम खत्म हो जाना था। फिल्टर का यूज हो रहा है सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी मैंने वही यूज किया। भाई सुबह से चक्कर लगा लगा के फिल्टर के थक चुके हैं। हाँ तो मेजर में होते हैं ना छोटी छान, ये देखे फर्स्ट टाइम नहीं होता क्योंकि आटा इधर से कितनी दूर आ रहा है। अम्मी ये आटा पड़ा हुआ है ये कनक का था, जब वो मेजर वाली रोटी बनाई थी तो हम लेके आए थे, ये वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, अभी जान समझ रही है कि ये मैदा है। मुझे ये बताए मैदा तो व्हाइट कलर के, ये कहाँ से, ये क्योंकि डल कलर होता है कनक के आटे का, इस वजह से देख ले इनके काम देखे जरा। अभी मिला तो मैं मैदा, इसे इतना नहीं पता कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है। छोटी तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर एक काम करिए क्या जी, अम्मी जान करती हूँ आपके साथ भी हेल्प। ये देखें जी अम्मी जान कह रही है कि कनक को भूनो अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। हाँ जी मैं साथ करती हूँ, इनके साथ सारा काम मैं ही करती हूँ, इतना छोटी नहीं करती है, करती है बड़ा काम। नहीं तो सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। तो फिर क्या, वो तो जिनसे अम्मी को मोहब्बत होना उन्हें ही डांट पड़ती। सही बताना आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों ने, और सब्जियों वाले चावल किन को बताना मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन। काम करती हूँ इसीलिए पड़ती है। हाँ कभी कभार उल्टे काम हो जाए, जो मम्मी कहती वो मैं करती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ, तो फिर डांट अच्छे तरीके से उनसे पड़ती है। जिस तरह कभी इन्होंने कह के कनक को देखो ध्यान करो इसको हिलाओ अच्छे तरीके से, लेकिन नहीं मैं अपनी काम लगी हुई हूँ, क्या करें, फिर ब्लॉग भी तो बनाना ज़रूरी होता है ना। नहीं इसका कलर तो चेंज हो चुका है ना हमारी कनक का, क्योंकि ऐसे की जो पिनियाँ होती है ना उसके अंदर कनक भी ऐड होती है हमारी, और मेवे वगैरह भी जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं वो। और ये देखें जी इसका कलर तो चेंज हो गया, कनक का ब्राउन कलर हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जरा ब्राउन कलर हो गया है जी। ये देखें अम्मी जान पानी लगा रही है, ये मसाला हमारा जो सब्जियाँ भून चुकी हैं अच्छे तरीके से चावल बनाने के लिए। चलिए जी चावल तो रेडी हो चुके हैं हमारे, अभी देखती है छोटी साहिबा क्या कर रही है। चलो जी कनक जल गया, फिर से डांट पड़ी। अम्मी कहती तेरे मैं अकेले कम, तू अरे को वो भी नहीं होता। अच्छा अच्छा मैं रखती हूँ ध्यान, छोटी अभी खत्म हो गया या नहीं आपका काम ये मैदे का? बस छोटी को शौक है कि अम्मी जान मुझे केक घर पे बना के दे, मेरी फ्रेंड आनी है तो इसलिए अभी उसकी फ्रेंड आनी है 4 बजे, तो मैंने कहा चले अभी फिर चलते हैं बाहर काम वगैरह करना, खाना बनाना है, तो वो भी अम्मी जान बना रही है, साथ ही इसकी भी केक की तैयारी कर रही है। इसके क्या करें, फिर बच्चों की फरमाइशें माननी पड़ती हैं, अब तो वो घर ही है पूरे 2 हफ्ते वो घर है स्कूल से, क्योंकि सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, और इनको स्कूल से छुट्टियां तो होनी नहीं थी क्योंकि इनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, 9th क्लास है इसलिए। जी अम्मी जान कनक तो मैंने अच्छे तरीके से हलाई है, भून भी गई है, सही हो गई है, अभी मैं जाऊँ बाहर या नहीं ये बताएं। ये देखें जी कलर हो गया हमारा सही इसका, ये देखें जी छोटी तो सही कर रही है अम्मी जान के साथ हेल्प काम करने में, क्योंकि जो केक का सारा मिक्सर है उसे मिक्स करने में यकीन माने मेरा तो बाजू ही थक जाता है, इसलिए ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती है। ब्लॉग ये बनाती है और काम हम करते हैं। छोटी काम करे ध्यान से करे, सारे इल्जाम मेरे पे लगाती है आप ही, आप कुछ नहीं करती, सारा काम आप ही करती है। जी अभी तो मैं आ गई हूँ किचन से बाहर, इतना ज़्यादा उन्होंने मेरे से काम करवाया, मुझे तो उधर सर्दी लग रही थी किचन में, मैं तो आ गई हूँ भाई, तो अब हम इधर आग के पास बैठते हैं अभी इधर।
आग ने तो बाहर सारे जल जाना है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे उठाऊं और आग को अंदर ले जाऊं। और विलाग फूल देखा करे, इतनी मेहनत से बनाते हैं हम। ये हमारी आज की थोड़ी सी एक्टिविटी जो है आपसे शेयर की है। खाना भी हमारा तैयार हो चुका है, आग भी जल के केक भी बन गया। छोटी कारनी अम्मी की जान के साथ हेल्प, तो मैंने कहा चलें जी ये काम करती हैं और हम थोड़े थोड़े से शॉट लेते हैं इनके। जी छोटी आ रही हूँ, पता नहीं अभी छोटी बुला रही है जी क्या काम है। चलती हूँ अभी इसके पास मैं किचन में। जी छोटी बोले क्या बात है, अभी ये भी डाल दो, ये रेडी हो चुका है, अभी इसको भी डाल दो ना जी। इसका बैटर अभी रेडी हो चुका है, अभी इसको हम बेक करेंगे। ओके ओके चलें जी करें आपसे छोटी जी। केक का तो मिक्सर फुल तैयार हो चुका है, रेडी हो गया। और अम्मी जानो केक का जो हमारा सांचा है उसके अंदर ना वो बटर पेपर लगा रही है, ये देखें शायद नज़र आ रहा है या नहीं आपको, तो ये देखें जी बटर पेपर लग रहा है। छोटी वो देखें, छोटी ने बना के लिया बैटर सारा। और अभी हम एक हमने लिया हुआ है यानी कि तसला भरा, तो जिसमें हम बहुत आसानी इसको रख सकेंगे। तकरीबन एक घंटे के लिए हम रखेंगे केक को बेक होने के लिए। ये देखें बहुत ईजी तरीका है केक का, किसी मैं भी सोच रही हूँ कि ट्राई करूँ। ये देखें जी अभी डालने लगे हैं, चलें जी डालने। छोटी छोटी को बहुत ही शौक है काम वगैरह ये करने का ना, केक तैयार करने का। ये देखें जी जी डाल गया हमारा केक फुल, और अभी हम बेक होने के लिए रखने लगे। ये हम जी ये हमारा तसला जिसके अंदर हम केक रखेंगे बेक होने के लिए, फ्रूट केक बना रहे हैं। तकरीबन एक घंटे के लिए हमने रखना है। और ये देखें ये हमारा केक है जो बनाना है हमने, साफ करो क्योंकि इसको हाफ रखना चाहिए, फिर इसने ना फूलना होता है इस वजह से। जी केक तो हमने रख दिया हुआ है बेक होने के लिए एक घंटे के लिए। और जी मैं अभी आग उठा के अंदर ले आई, और छोटी और अम्मी अभी किचन में काम कर रही है। मैं तो अपनी सेहत का सारा काम करके अंदर आ चुकी हूँ, अभी इनकी बारी है काम करिए। अपना मेरे पास बर्तन है वो धोने वाले हैं, तो वो भी मैं अभी धो लूँगी। जब ये आग सारी ख़त्म हो जाएगी ना फिर जाऊँगी बर्तन धोने, से पहले नहीं आना मैं दे, क्योंकि सर्दी बहुत है। मुझे सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है, इतनी भी सर्दी पड़े ना मुझे इतनी लगती है। जी छोटी चावल अम्मी जान ने कैसे बनाए ये बताएं। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी अम्मी जान, वाकई बहुत मजे के चावल बने हैं। वो देखे अम्मी जान बैठी हुई है खा रही है वो। छोटी मजा आया चावलों का या नहीं? जी छोटी छोटी चावल कैसे बने अम्मी जान ने, अच्छे बनाए जी? उसे कह रही है मजा आया बहुत ज्यादा। और चलती है अभी अंदर देखती हूँ छोटी क्या, छोटी क्या कर रही है? ये देख रही है मैडम पावर रेंजर्स, तो इसके वो फेवरेट हैं देखती है। और इसकी तरह किसी को पसंद है देखना या नहीं? छोटी जी आपका केक हमने बना के तैयार कर दिया, अभी इनको छुट्टियाँ होंगी, आज गई हुई थी स्कूल तो आ गई है। और सुन छोटी अपने अंदर की ना ये सफाई को, इतना इसने कचरा डाला हुआ है ना, मैंने नहीं डाला तुमने डाला है, सारा जिधर चीज खानी है वहीं पे इन्होंने कचरा फेंकना होता है, इतनी इनकी गंदी आदत है। ये देखें जरा उधर इतना कचरा डाला हुआ है शीशे के आगे, सारा साफ करो ना वहां से। सॉक्स फेंकी मैंने थोड़ा फेंका हुआ है सारा कचरा। और अल्लाह हाफिज, हमारा व्लॉग इधर ही खत्म होता है। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, किया करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।